गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2023 का 35वां मैच गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की। हार्दिक की अगुवाई वाली गुजरात की मौजूदा सीजन में यह 5वीं जीत है। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 में मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 55 रन से विजय पचरम फहराया। गुजरात ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 विकेट पर 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और मुंबई को 9 विकेट पर 152 रन पर रोक दिया। 2017 के बाद से मुंबई की रनों लिहाजा से यह सबसे बड़ी हार है। गुजरात के सामने मुंबई के लिए सर्वाधिक रन नेहल बढ़ेरा 40 रन बनाए। उनके अलावा कैमरन ग्रीन ने 33 रन की पारी खेली। इन दोनों को छोड़कर मुंबई का कोई भी खिलाड़ी 25 का आंकड़ा पार नहीं कर सका। सूर्य कुमार यादव 33, पीयूष चावला 18, ईशान किशन 13, अर्जुन तेंदुलकर 13, कप्तान रोहित शर्मा और तिलक वर्मा 2-2 रन का योगदान किया। गुजरात के लिए नूर अहमद ने 3 विकेट चटकाया। मोहित शर्मा और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिया। इससे पहले गुजरात ने टॉस गंवाने के बाद खराब शुरुआत की। रिद्धिमान साह तीसरे ओवर में 4 रन पे अर्जुन का शिकार बन गए। इसके बाद सुमन गिल 56 रन पे मोर्चा संभाला। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या 13 के संग 38 रन जोड़े। पांड्या 7वें और गिल और शतक जड़ने के बाद 12वें ओवर में आउट हुए। विजय शंकर 19 रन की छोटी पारी खेली। वहीं डेविड मिलर 46 और अभिनव मनोहर 42 रन में 5वें विकेट के लिए 71 रन की पार्टनरशिप की। मिलर ने 6ठे विकेट के लिए राहुल तिवतिया नवाद 20 रन के साथ 33 रन की साझेदारी कर गुजरात को 200 रन के पार पहुंचाया। मिलर 20वें ओवर में पवेलियन लौटे। इसी के साथ गुजरात ने 55 रन से मैच को जीत लिया। इस सीजन की 5वीं जीत के बाद गुजरात के अंक तालिका में 10 अंक प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, इस पर अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और मिलते हैं।